आइए अब आपको सुनारों के शिक्षा में 8वें भाग में ले चलते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि गोल्ड चैन किस प्रकार बनाई जाती है। गोल्ड चैनें कई प्रकार की होती हैं, जो हाथ से भी बनाई जाती हैं और मशीन से भी बनाई जाती हैं। ये मेरे पास दो प्रकार के सैंपल हैं। ये पट्टा चैन है, आज से 15 वर्ष पूर्व ये हाथ से बनाई जाती थी। ये पट्टा चैन को डबल करके बीच में इसके अंदर गोली लगाई गई है और ये लेडीज के काम आती है। सिंगल चैन मर्दों के काम आती है और ये डबल करके बीच में गोली लगा करके इसमें ये सारी की सारी ये 20 मिलीग्राम वाली गोली लगी हुई है और उसको जोड़ दिया गया है। तो इसको बनाने का एक आसान तरीका है कि 23 कैरेट का या 22 कैरेट का प्रथम सोना लिया जाए, उसको अच्छी तरह गला करके चौरस करके मशीन में देकर फिर हाथ से जंत्री के द्वारा निकाला जाए और उसके बाद उन बारीक तारों को एक दूसरे में पिरो करके, जैसे आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के अंदर पिरोई गई हैं, एक दूसरे के अंदर पिरो करके उसे जहां जहां जोड़ हो वहां जोड़ दिया जाए और उसे हल्का सा हथौड़ी से चेप करके प्लेन कर दिया जाए। ये चैन दो पट्टे चैनों को आपस में मिलाकर दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। इसे मर्दों के पहनने में भी बहुत रुचि है। दूसरी, ये लेडीजों में किस प्रकार से बनाई जाती हैं ये आपके सामने हैं कि ये किस प्रकार, तो देखिए ये किस प्रकार से ये इसमें डिजाइन लगे हुए हैं और इसके अंदर गोली लगी हुई है, मीना लगा हुआ है। तो ये लेडीज के काम आती हैं। तो भिन्न भिन्न डिजाइनों, कोई भी डिजाइन पसंद करता है उसी हिसाब से कम ये एक चैन 60 ग्राम 70 ग्राम की 6 तोले 7 तोले की तैयार होती है और मर्दों की जो चैन है वो 1 तोले से लेकर के 3 तोले तक तैयार हो सकती है। कोई भी सज्जन ऑर्डर से भी तैयार करवा सकते हैं और यदि सुनार से बनवाना चाहें तो किस प्रकार से बनेगी ये मैंने आपको बता दिया है।